हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको प्यार भरी राम राम। और मेरे यूट्यूब चैनल 5507 सोनिया सोनिया में आप सबका स्वागत है। और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, आप जो 2024 है, मैं ये चाहती हूँ, जैसे मैं खुश हूँ आप सबकी वजह से, तो आप भी खुश रहें और आपके भी सपने साकार हों। और दोस्तों, मैंने बोला था ना, सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो सरप्राइज आप सबके लिए है कि हमने न्यू गाड़ी ली है, और गाड़ी का नाम कपिल बताएगा, टाटा पंच। हेलो तो बोले, हेलो। टाटा पंच लिए हमने, और जो हम अभी डिलीवरी लेने जा रहे हैं आज न्यू ईयर के दिन। और गाड़ी में मैं बहुत दिन से सोच रही थी गाड़ी लें, पर अब फाइनल हो गया। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, उस गाड़ी के साथ है ना मेरी बहुत ज्यादा अटैचमेंट जुड़ी हुई है। मुझे 4 दिन हो गए और मेरी आंखें, आप देख रहे होंगे, मेरी आंखें सूज गई हैं, क्योंकि जो मेरी पुरानी ओल्ड गाड़ी है वो मेरी उससे ना बहुत यादें जुड़ी हुई है। मैं 7 साल हो गए उस गाड़ी को मेरे घर में आए हुए, अभी तक उसने मेरे को खरोच तक भी नहीं दी, मेरी फैमिली को भी कुछ भी। और कपिल है तो दोस्तों, कपिल भी बताएगा उस गाड़ी से हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई है। तो कपिल बताइए, मेरे कितनी यादें जुड़ी हुई है उस गाड़ी से, आज तक हमें कुछ नुकसान दिया ना? कुछ नहीं, आज तक कुछ गाड़ी पंचर भी नहीं हुई बाहर आज तक। आज तक हम कितने दूर गए हैं, जयपुर है, जहाँ भी जहाँ दिल करा हरिद्वार या कहीं भी गए, आज तक उसे पंचर भी नहीं हुआ। बट अब जैसे कहते हैं ना कि अपडेट होना पड़ता है, तो हम भी अपनी लाइफ में अपडेट हो रहे हैं। और ये मेरी तरफ से कपिल के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। काफी दिन से कह रहा था मम्मी गाड़ी ले, तो अब गाड़ी हम ले पा रहे हैं, क्योंकि पहले हमने पारुल को शिफ्ट दे रखी थी, तो शिफ्ट से भी हम थोड़ा सा भी उभरे हैं। तो ये दिस इज फॉर यू, लवली गिफ्ट इन कार मेरी तरफ से आपको। और मैं बहुत अपने आप को रिलैक्स करना चाहती हूँ। क्या भी ऐसा आशीर्वाद दें? हाँ, मैं हस्बैंड बोल रहे हैं कि आप सब ऐसा आशीर्वाद दें कि जैसे मेरी, मतलब जो गाड़ी है, मैं उसे पुरानी नहीं बोलना चाहती, जो मेरी रानी है, जैसे मेरी रानी ने मुझे हमेशा दुख संकट से बचा के रखा और मेरी इज्जत बढ़ाई मेरी लक्ष्मी माता ने, तो ऐसी मेरी ये गाड़ी हो। और इसी के साथ मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करा है, क्योंकि अब मैंने आंखों पे वो लगा रखा, तो मैं सोच रही हूँ रोऊं ना। और मेरी रानी के लिए मैं अपनी तरफ से लव यू बोलना चाहती हूँ, टेक केयर बाबू, लव यू। और अभी नेक्स्ट ब्लॉग में बताती हूँ, और हम चल रहे हैं अभी। गाड़ी को छोड़ दिया गाइज, हम शोरूम पहुंच गए, शोरूम में ना भीड़। गाड़ियों की इतनी डिलीवरी है आज, बहुत ही ज्यादा। मुझे तो अपनी गाड़ी का इंतजार है, जो मैं अपनी गाड़ी लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं धीरे बोल रही हूँ, यहाँ पे सभी देख रहे हैं क्या हो रहा है। गाड़ी लेते लेते ना सुबह से ना रात हो गई है, पर गाड़ी अब ना रेडी हो रही है। आज कितनी डिलीवरी गई भाई गाड़ी की? हम तो गाड़ी खड़ा करने तक ही पता नहीं। फिर भी कितनी होगी उनके अंदाजे थे? अब ये लगा लो, हमारा भी कितना लेट नंबर आया, लाइट जल चुकी है, अंधेरा हो गया है। गाइस, दुल्हन की तरह सज चुकी है मेरी गाड़ी, और मेरी प्यारी, मेरी बेला, क्योंकि हम शाम के टाइम ले जा रहे थे, मैंने इसका नाम है ना बेला रख दिया है, क्योंकि रात की रानी रहेगी। और इसका केक आ चुका है। कपिल, कैसा फील हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है, बढ़िया। अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है? बढ़िया। तो इन लोगों को बढ़िया फील हो रहा है। एक्चुअली केक आगे मोमबत्ती ना लाई, मोमबत्ती नहीं आती, ये मोमबत्ती नहीं जलाते, तो इन्हें अलाउ नहीं है। तो क्योंकि ये कपिल के लिए गिफ्ट है, और कल इसका बर्थडे है, तो आज ये केक यही काटेगा, और ये केक काटेगा, मैं घूंघट उठाऊंगी गाड़ी का। चल भाई काट, अरचू उतार, चल। पापा को दे दो ना फोन, वहां से बना लेंगे। पापा आ जाए, पहले हो गया तो आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, एक ही बार चलो। ये गाड़ी दिखाओ। हाँ, गाड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है। और हैप्पी बर्थडे कपिल। थैंक यू।
आए अब अपने गांव और हम आए जेवर, यहाँ पे हम गाड़ी को क्योंकि पार्ले जो पूजी थी अब ये देवता नहाएंगे और घर वालों में और परिवार वालों में मिठाई बांटेंगे। और देखो हमारे खेत दिखने लगे हैं। वानु जय जय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, हल्का हल्का कोहरा हो रहा है, देवता नहाना है। कितना टाइम हो रहा है कपिल? कितने बजे? 11:15 भी अभी कोहरा हो रहा है। लेकिन गांव में कैसे झोपड़ी पड़ी रहती, कितना अच्छा लगता है। बहुत मन लग रहा है। थैंक यू दोस्तों, फिर से बोल रही थैंक यू, आप सबकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। दोस्तों मैं पहुंच चुकी ससुराल और मेरी देवरानी जो है मेरी छोटी बहन है, तो भाई मैं तो इसे बेटा ही कहती हूँ क्योंकि भाई छोटे वाले बच्चे ही होते हैं। मम्मी देखो, मम्मी ठंड लग रही है। मम्मी को तो डांस स्टार्ट है। हम भैया सास बहू बहुत नाचते हैं तो ले ले भैया ले नाचने लगे। तो भाई क्या बना रहा है? देखो क्या बन रहा है, चूल्हे पे बन रहा है। क्या बन रहा है बॉबी? साग। और क्योंकि हम लोग है ना साग खाएंगे मक्खन घेर के, हमने मना कर दिया, हमें पनीर आलू गोभी ना चाहिए क्योंकि ना हम लोग है ना वहाँ झिक चुके हैं शहर में। अब हम खाएंगे मक्के बाजरे की रोटी और घी घेर के साग छाछ। और हुक्का पीना था मेरे साथ, हुक्का पीना। और हुक्का चल दिया भाई, चौधरी साहब का हुक्का। ए भाई खुश है तू? नई गाड़ी आ गई तेरी है? नई गाड़ी आ गई भैया की तो है। गाइस हम जा रहे देवता नहाने और चलो भाई चलो। मम्मी कह रही मम्मी पे ना है, मम्मी पे ना बड़ी बड़ी थोड़ी सी बात। गाड़ी खड़ी है घेर में और हम जा रहे हैं बुनिया बाबा पे। हमारा घर का गेट है ये, गांव में तो ऐसे घर होते हैं। बुनिया बाबा की जय। पापा चलो आ जाओ, लाओ मिठाई लियो, मिठाई दो, मिठाई दो, दोस्तों मैं अपने ब्लॉग की अब समाप्ति करती हूँ और जैसा कि आप सबको पता है गांव में पहुंच गए और मेरी तरफ से और इस मेरी टीम की छोटी सी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करें,
और मैं चाहती हूँ माता रानी से दुआ करती हूँ आप सब की कि 2024 आपकी बहुत अच्छी जाए और खुश रहे। लव यू यूट्यूब फैमिली, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।